तो गुरु लोग, टाइगर इज रेडी फॉर हंट, नॉट इन बॉक्स ऑफिस बल्कि इंडियन सिनेमा में। भाई सुनामी आने वाली है, जैसे देवारा मूवी, जूनियर एनटीआर की जो देवारा मूवी है, जहां हमें ढेर सारा सुनामी देखने को मिलेगी मिलेगी, साथ में इंडियन सिनेमा में भी सुनामी आएगी और बॉक्स ऑफिस में तो सुनामी आनी ही आने वाली है, क्योंकि ये मूवी ऐसे टाइम पर प्लान करी जा रही है, डिजाइन करी जा रही है, जहां पर वीक डेज इसे भर भर के मिलने वाले हैं। देवारा इस साल की मास्टर ब्लास्टर मूवी आने वाली है और इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। साथ में भाई साहब बहुत सी न्यूज लेकर कर आने लग रही हैं। अभी मूवी को रिलीज होने के लिए बहुत लंबा टाइम है, उसके पहले ही ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग चली है आज इस मूवी की, भाई तो अभी सारी चीजों पर बात करेंगे कि कैमियो में आखिर हमें कौन देखने को मिलने वाला है, मूवी कब रिलीज होगी और ये मूवी बिजनेस कितना करके जाने वाली है, क्या 2023 में जो पिछले साल हाइप चली थी इंडियन सिनेमा में इंडियन मूवीज की, क्या वैसी हाइप ये मैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। देवारा जूनियर एनटीआर की मोस्ट मच अवेटेड मूवी, ट्रिपल आर के बाद कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जूनियर एनटीआर के हाथ में नहीं आए और वहीं से भाई साहब इस बंदे का नाम टाइगर, मतलब टाइगर के रूप में रेफरेंस में इसे दिखाया जा रहा है और यस, टाइगर इज रेडी टू हंट। और भाई ये चला है आज दिन भर ट्विटर पर, यही चला है, साथ में इतनी सारी मूवी चल रही हैं, लेकिन बावजूद उसके जूनियर एनटीआर की जो अपडेटेड मूवी है भाई, मतलब जो आने वाली है, वो अलग हाइप छोड़कर जा रही है और जबरदस्त छोड़कर जा रही है। तो मूवी की डेट रिलीज हो चुकी है, 10 अक्टूबर 2024 में हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी, यानी दशहरा, दशहरा में लाल होने वाला है समंदर, क्योंकि इसका फर्स्ट लुक हमने देख लिया और समंदर की जो लहरें थी, किनारा था वो पूरा लाल ही था, खूनम खान ये सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। और 2023 की अगर मैं दशहरा की बात करूं तो उस टाइम पर भी ऐसी ही राउडी रस्टी मूवी हमें देखने को मिली थी, कौन सी, दशहरा मूवी, जहां पर भाई साहब जो लाल किया है उन्होंने, ना कि सिर्फ मूवीज के अंदर और बॉक्स ऑफिस में जो कमाल धमाल किया है, वही चीज वही वाइब फिर से सेट होते नजर आ रही है भाई। क्या तो जैसा सलार का हालचाल था, जैसे जवान मूवी का हालचाल था, मतलब पूरे साल ये मूवीज हाइप पर रही हैं, ट्रेंडिंग पर रही हैं, उसके बाद जो बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन देखने को मिला है 1000 करोड़ का, क्या वैसा कलेक्शन इसको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ये वीक डेज में अगर बताऊं तो नवमी, सप्तमी, उसके बाद संडे का वीकेंड आ जाएगा, तो फुल मतलब 4 दिन का जबरदस्त लॉन्ग वीकेंड इसे मिल रहा है। ओपनिंग तो दमदार करेगी करेगी, देन उसका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे, 4 ही दिन में या 400-500 करोड़ ये मूवी टच करके ना चले जाए, क्योंकि ऐसा सिनेरियो भाई हमने देखा है इस साल, देखा है 5 दिन में 500 करोड़, 6 दिन में 550 करोड़ के आसपास जवान मूवी को ये कलेक्शन हमने देखा था, तो इजिली देवारा के पास भी जा सकता है भाई। कास्ट इसकी रिवील आउट कर दी गई है, सैफ अली खान और जानवी कपूर देखने को मिलने वाली है, जानवी कपूर हमें एज मेन लीड एक्ट्रेस एंड सैफ अली खान हमें एज विलेन देखने को मिलने वाले है। तो भाई जो बॉलीवुड से मतलब ले रहे हैं ये लोग एक्टर, ऐसी बात नहीं है ले रहे हैं, लेकिन साउथ का अपना फंडा क्लियर है भाई, तुम लोग आओगे तुम्हें हम अपनी मूवीज में जगह देंगे, लेकिन एज विलेन तुम्हें जगह देने वाले हैं, और अब हीरो तो अपना ही रहेगा साउथ का। साथ में कैमियो भी बताया जा रहा है कि कैमियो दमदार होने वाला है और बहुत बड़ा नाम आ रहा है। फिलहाल मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, र्यूमर्स में प्रभास को एज कैमियो दिखाने की बात कर रहे हैं। पायरेट्स के हिसाब किताब की मूवी होने वाली है और भाई इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े चेहरे, और वो भी मास वाले चेहरे जो जाने जाते हैं मासी एक्शन राउडी रस्टी ब्लडी मूवीज के लिए, और वही चीज इसमें देखने को मिलने वाली है। तो भाई एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। अब बात यह आती है कि ये मूवी कमाई कितनी करके जाएगी, क्योंकि भाई अभी तक फाइटर मूवी से बहुत उम्मीद थी कि 1000 करोड़ ठोक के जाएगी, और पिछले साल 2 मूवी 1000 करोड़ ठोक के गई है, तो इस साल कौन ठोक के जाएगा भाई। देवारा से फुल वाइब एंड हाइप सेट हो रही है कि ये मूवी 1000 करोड़ इजीली ठोक सकती है, 4 दिन का वीकेंड मिलने वाला है और 4 दिन में अगर ये 100-100 करोड़ कमाई करके ले आएगी, बाकी कंटेंट पे रहता है निर्भर, क्योंकि पहले 4 दिन तो दमदार कर ही लेगी, उसके बाद जो रिव्यू एंड पॉजिटिव रिव्यू आएंगे तो फिर कमाल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या 1000 करोड़, 2000 करोड़, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।